गुड मॉर्निंग क्लास 10। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1। वी हैव डन 4 चैप्टर, चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11 वी हैव कंप्लीटेड। टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 इस सेशन के लिए हटा दी गई है, इसलिए हमने 1.1 ना लिखी है और हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 से। एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो आपका था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो अभी हमारे चैप्टर में चैप्टर 1 में से हटा दी गई है, इसलिए हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1.2 से, जो कि अपना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहां से आपको स्टार्ट करना है और चैप्टर का नेम है अपना रियल नंबर्स। क्लास 9th में आपने रियल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, राइट। इसमें सारे नंबर इंक्लूड हो चुके हैं, कोई भी नंबर बच नहीं जाता है। Every number included in the real numbers, integers, rational number, irrational number, all the types of numbers are included in real number. Is it clear? And this exercise is very simple, very easy. You know all the sum. You have done in previous classes all these types of sum. See the question number 1. Express each number as a product of its prime factor, first 140। आपको 140 को ऐसे लिखना है कि इसके प्रोडक्ट का प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर से हम इसके फैक्टर कर लेंगे और उनके प्रोडक्ट में लिखेंगे। देखिए 140 का हम फैक्टर करते हैं, डिवाइड बाय 2, जो प्राइम नंबर होगा उनसे डिवाइड करते जाएंगे। 2 7 का 14 2 0 0 अगेन डिवाइड बाय 2 3 का 6 एंड 2 5 का 10। Now divide by 5, 7 is 35 and 7 is 7. So 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. And now we can write 140 is equal to 2, how many times 2? Then 2 square multiply by 5 multiply by 7. So we have written in the product of prime number. इस तरह हमने 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दिया और आप इसको जो सेम प्राइम नंबर होंगे उसको पावर नोटेशन में लिख दिया। सिमिलरली वन मोर आई विल एक्सप्लेन, इट इज 156। द नेक्स्ट नंबर वी हैव गिवन 156, देन 156, we do the prime factor, 156, do the prime factor, divide by 2, 7 the 14, remaining 1, 2, 8 the 16, again 2, 3 the 6, 2, 9 the 18, and this will divide by 3, 3 1 the 3, 3, 3 the 9, and this will divide by 13, 13 1 the 13. So 156 is equal to 2 multiplied by 2, multiplied by 3, multiplied by 13. Again 156, we write as a product of prime numbers, means 2 square multiplied by 3 multiplied by 13. That's all. Similarly, all the sum you have to do like that. You have to do the prime factor and write in this notation. Okay? Now, question number 2, we will start. The question number 2 is, find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by LCF is equal to product of two numbers. Second ka first 26 and 91. The first number we have given 26 and 91. So start please. Question number second of first 26 and 91. First we will do the prime factors. The prime factor of 26 is equal to 13 2 26. So we will write 1 is the factor of every number, so we can write
multiplied by 13 and 91. 13 7 by 91 means 1 multiplied by 7 multiplied by 91. ये तो हमने इनके प्राइम फैक्टर कर लिए. अब हमको क्या करना है, फर्स्ट एलसीएम. सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय बी, इंक्लूड एवरी फैक्टर, डोंट लीव एनी नंबर, 2 इनटू 13, ये तो पूरा नंबर लिख लिए, 1 वी हैव रिटन, इनटू 7 इनटू 91, और आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दें, 13 टू 26, ये आप ऐसा कर दें, 2 7 का 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 का 2 कैरी 4, 14 1 जा 40, 14 प्लस 4 16, 162 है ना. हमने 7 और 7 का मल्टीप्लाई किया, या ऐसा भी कर सकते हैं 13 7 जा 91, 13 7 का 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 91 मल्टीप्लाई बाय 182 आएगा, है ना बेटा, तो 182 मल्टीप्लाई बाय अगेन 91, या ऐसा सलाम कर लीजिए आप, 13 टू 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 टू 14 है 4, 18 मल्टीप्लाई बाय 91, 281 multiplied by 92 is 18, carry 1, 98 is 56, 98 is 72, 72 plus 1, 73 is 3, carry 7, 9 is 9 plus 7 is 16, add them 2, 16, 4 and 1, 5, 6, 1, 16,562, 16,562, 16,005. This is the LCM of these two numbers. Got it? Now SCF. SCF कैसे लेते हैं हम? Highest common factor. ये तो हमने prime factor किए थे. अब highest common factor. SCF is equal to. One as the common factor, one multiplied by. और कुछ common आ रहा है? नहीं. तो SCF क्या है इसका? Only one. SCF क्या है? One. LCM और SCF आ गया. And now we have to prove LCM multiplied by SCF is equal to product of numbers. Product of numbers. ये हमको prove करना है ना बेटा. Then LCM is 16,562 multiplied by 1 is equal to numbers है 26 multiplied by 91. Then 16,562. अब 91 और 26 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए 91 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 वन जा 6, 6 9 जा 54, 1 डिजिट कंप्लीट, 2 वन जा 2, 2 9 जा 18, then 6, 2 and 4, 6, 5, 5 and 8, 5 and 8, 13 का 3, carry 1 and 1, 2,366 को LCM हमने कैसे गलत किया बेटे, 2 into 13, 2 into 13, 7 into 91, 7 into 4, it is not 91 now, 91 के फैक्टर करना थे बेटे, आपने बोला नहीं, इट इज द फैक्टर ऑफ 13 7 जा 91. सो एलसीएम इज 1 into 2 into 13 मल्टीप्लाई बाय 7, और 13 तो कॉमन है ही सही, बस इसी का 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 एंड 91 2 जा, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 182 LCM. And SCF कितना आया? SCF में एक तो 13 कॉमन है और एक 1 कॉमन है. Means 1 multiply by 13 is equal to 13. Then we should multiply LCM and SCF. 182
16 is 182 multiplied by 13. 13 2 ja 26 carry 2. 13 and ja 104 plus 2 106 carry 10. Or 13 and ja 13. 13 plus 10. 13 plus 10 is 23. 2366. LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side. इस तरह आपको क्या करना है? जो दिए गए नंबर उनके प्राइम फैक्टर करना है. Then LCM, then HCF. और आपको क्या करना है? LCM multiply by HCF is equal to product of numbers means first number multiply by second number. LHS is equal to RHS हमको prove करना है. इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं. 510 एंड 92 सी अपन करते हैं. सेकंड का सेकंड अब आपको एक बार और मैं समझा देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्योंकि बेटे और आप ये आपको डायरेक्ट वेक्टर नहीं आते हो तो आप ऐसा 5 वेक्टर इस तरीके से कर सकते हैं और भी इक्वल लिख सकते हैं ना. कैसे भी कर सकते हैं, तो LCM और HCF लेना आता है अपनी मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए सेकेंड का सेकेंड हमको दिया गया है 510 एंड 92. 510 एंड 92 यही है ना. ओके, चलिए मान लीजिए हम 510 के फैक्टर करते हैं तो केवल मैं 51 के करता हूँ तो 17 का 51 होता है, बचता है 10. वो 10 के फैक्टर होंगे मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 510 के फैक्टर ये आएंगे आपका. तो देख लीजिएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 17 2 × 3 × 5 × 17 ये आपके 510 के प्राइम फैक्टर से. 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 30 मल्टीप्लाई बाय 17 510. सिमिलरली 92 आप ऐसे भी करके कर सकते हैं बेटा. 510 का फैक्टर आप ऐसे 2 से डिवाइड करें तो इधर का फैक्टर ऐसे कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही पहले वर्टिकली लिखते फिर हॉरिजॉन्टल लिखते. सिमिलरली 92 का फैक्टर तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन. 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 2 = 8. चलिए साइड में कर लेते हैं 92 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 23 = 23 क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है. 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. तो then 2 × 2 = 23. Now LCM, LCM में कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए. और जहां पर HCF जब लेते हैं कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता है. 1 इज द कॉमन फैक्टर. ये तो आपको मालूम ही है HCM में 1 नहीं होता है. LCM 2 × 3 × 5 × 17. फर्स्ट के तो सारे फैक्टर लिख दिए. अब यहाँ 2 × 1 × 2 तो हम लिख चुके हैं. 1 × 2 और लिख दीजिए × 23. इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 × 5 = 10 हमने कर चुके हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6 है ना. तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 6. अब बचा क्या है? 17. ठीक है, तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे 2 × 3 = 6 और 17 × 6 = 102. 102 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 × 10 इज 1020 मल्टीप्लाई बाय 23. आ गया समझ में? आप चाहे जैसे कर ले, मैं आपको बता रहा हूं. ये भी देख लें आप. LCM इज इक्वल टू अभी का मतलब 23 0 0 23 × 46 = 6 = 24 23 0 0 = 4 and 23 = 23 23 460 23 460 is the LCM. Now HCF, HCF में क्या आएगा बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो HCF लेंगे 2 यहाँ है 2 यहाँ भी और उसके बाद फिर यहाँ 3 यानी कि छोड़ दीजिए. बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. देन HCF इज 2. गॉट इट? नाउ
अब हम चेक करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. गॉट इट? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर. एलसीएम 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 90. पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 6 12 2 कैरी 1 2 4 8 and 1 9 2 3 6 2 2 इज इक्वल. अब हम क्या करेंगे 510 में 92 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 0 0 2 2 2 1 2 2 5 10 now 9 0 0 9 2 9 and 9 5 are 45 0 2 9 6 4 46,920. So therefore LHS is equal to RHS. Hence bro, इस तरह आपको सारे सवाल करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी एज इट इज क्वेश्चन है. फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बता रहे हैं सर. आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एससीएफ, ये प्राइम फैक्टर मेथड ही है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट. अभी भी हमने एलसीएम और एससीएफ फाइंड किया है. फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 12 15 एंड 21 3 3 डिजिट है. थर्ड का फर्स्ट 12 15 एंड 21. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आ 4 3 का 12 एंड 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू 3. प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे बेटे? 3 5 जा 15 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 7 जा 21. नाउ एलसीएम, एलसीएम का कोई फैक्टर हम छोड़ नहीं सकते. पहले नंबर के सारे फैक्टर लिख लीजिए 2 इनटू 2 इनटू 3. अब 3 यहाँ आ चुका है, 5 नहीं आया 5 भी लीजिए. 3 यहाँ आ चुका है, 7 नहीं आया 7 भी. 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा तो 6 7 जा 42 420. LCM अपना होगा 420. Now HCF highest common factor, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है नहीं लिखेंगे. 3 यहाँ यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह 3 है इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3. 3 के अलावा वो कोई डिजिट नहीं है. दैट इज ओवर. नाउ थर्ड का वन मोर क्वेश्चन, सेकंड रो देख लीजिएगा 17 23 and 29. So firstly LCM, LCM is equal to 1 into 17 into 23 into 19. और आप LCM में इनका प्रोडक्ट करके आप ऐसे लिखेंगे. And now SCF, SCF में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. जहां कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो आपका क्या आता है? 1 is the common factor SCF. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इज सफिशिएंट फॉर यू. रेस्ट ऑफ द सम इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. यू हैव टू नोट इट. ओके बेटा, और अगर समझ में आए तो आप कमेंट्स में जरूर. थैंक यू वेरी मच.